बच्चों, हमने पिछली कक्षा में कौन सा वर्ण किया था स्वर का? आहा, 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 आहा। अब हम आहा से तो कुछ होता नहीं है, और संस्कृत में जिन जिन शब्दों में आहा का प्रयोग होता है हम वो शब्द एक बार और रिपीट करेंगे, दोहराएंगे। प्रातः, प्रातः यानी सवेरा। नमः, नमः यानी नमस्ते। पुनः, पुनः यानी फिर से। अतः, अतः यानी इसलिए। तो बच्चों, अब हम आहा को लिखना सीखेंगे। ये नीली रेखा से आधा गोल, फिर जुड़ा हुआ एक और आधा गोल, एक छोटी सोती रेखा और एक खड़ी हुई रेखा और दो बिंदु। आहा, आधा गोल, उससे जुड़ा एक और आधा गोल, सोती हुई रेखा, एक खड़ी रेखा और दो बिंदु। आहा, आधा गोल, उससे जुड़ा एक और आधा गोल, सोती हुई रेखा, खड़ी रेखा और दो बिंदु। आहा। तो आपने देख लिया आहा कैसे लिखते हैं। आप भी घर में इसको प्रैक्टिस करिएगा, दोहराइएगा और आपको जल्दी लिखना भी आ जाएगा। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए